बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मजे में, स्वस्थ होंगे? ठीक है, तो आज हम दूसरी कक्षा में दोस्त की मदद, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा पाठ सीखा था? हमने सीखा था हवा और सूरज वाला, है ना। तो देखो, अधिक बलवान कौन, हमारा चौथा पाठ कौन सा था? अधिक बलवान कौन, हवा या सूरज, है ना। अभी इसके आगे हम देखेंगे दोस्त की मदद, ठीक है। आपका दोस्त होता है ना, तो उस दोस्त, आपका दोस्त की मदद करते हो ना आप लोग, इसलिए आज हम क्या सीखेंगे? दोस्त की मदद। आपका पाठ है पार्ट 5, कक्षा 2, हिंदी, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे, चलो देखो पढ़ते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, ठीक है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्ती किसकी किसकी हुई है? कछुआ और लोमड़ी की, ठीक है। ये देखो, ये कछुआ और ये लोमड़ी, ये दोनों की दोस्ती हो गई है, ठीक है। कछुआ तालाब में रहता था और लोमड़ी जो है माद में उसके घर में रहती थी, ओके। आप देखो, यहाँ से उसकी दोस्ती हो गई है। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है। एक दोनों की दोस्ती हो गई थी। एक दिन तालाब के किनारे बातें कर रहे थे, गपशप यानी बातें कर रहे थे। आप लोग करते हो ना आपके दोस्त से उसी तरीके से, तो रहते थे। एक तेंदुआ वहाँ आया, दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो तेंदुआ आया बड़ा सा, उसे लगा अब तो ये हमें खा लेगा तेंदुआ, ठीक है। तो दोनों भागने लगे, अपने अपने घर की ओर भागने लगे, जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई। तो लोमड़ी तो तेज दौड़ती थी, तो वो तो जल्दी से अपने माद में यानी अपने घर में चले गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। तो कछुआ कैसा चलता है? धीरे धीरे। आपने देखा है ना, कछुआ धीरे धीरे से चलता है। कुएं में होता है, पानी में होता है, नदी में होता है। तो कछुआ तो धीरे धीरे चलता था, वो तो पहुंच नहीं सकेगा अपने घर तक। तो लोमड़ी तो चले गई जल्दी से, तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो तेंदुआ जो था वो एक छलांग मारकर कछुए तक पहुंच गया, यानी कछुए को उसने पकड़ लिया। कछुआ भाग नहीं सका और तेंदुआ के हाथ में आ गया। फिर देखो, कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तो तेंदुए को तो भागने का मौका ही नहीं मिला, कछुए को तो भागने का मौका ही नहीं मिला और तेंदुए ने उसको पकड़ लिया और खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चले गया। लेकिन दांतों और नखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर करोच तक नहीं आई। आपने देखा होगा कि कछुआ जो होता है ना, ये देखो कछुआ का चित्र, ठीक है। ये इतना पत्थर जैसा होता है ना, कड़क। आप इसको किसी तरीके से, इसको आप, ये सॉफ्ट नहीं होता, ये बहुत कड़क होता है। इसका जो शरीर होता है ना, ये बहुत खोल होती है, अपनी खोल के अंदर ये पैर वैर सब छुपा लेता है। इतना कड़क होता है कि आप इसको, आपको लगेगा ये पत्थर है, पत्थर, ठीक है। तो ये कैसे चलता होगा ऐसे? इसका वजन कितना होगा? ये कैसे इतना वजन उठाकर कैसे चलता होगा? इसका बहुत, ये जो ऊपर का कवच होता है ना, वो बहुत कड़क होता है। तो तेंदुए ने बहुत उसको कोशिश की कि इसको मैं ऐसे नाखून ऐसे फाड़ू और फिर खाऊं, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सबको खोल पर करोच तक नहीं आई। पत्थर है जो, पत्थर को आप नाखूनों से, हाथों से ऐसे कुछ ऐसे फाड़ सकते हो कागज के जैसे? नहीं। तो ऐसा था उसका शरीर। तो सब लोमड़ी अपनी माँ से यह देख रही थी, अपने, उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो जो लोमड़ी थी वो तो अपने घर में चले गई थी। उसने देख रही थी कि इसने तेंदुए ने तो कछुए को पकड़ लिया है, अब तो इसको ये किस तरीके से इसको मैं बचाऊँ, ये सोच रही थी, ठीक है, सोच रही थी तरकीब। उसने माँ से झाँक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो उसने एक तरकीब सोची कि मैं तो अंदर हूँ, अब इसको मैं कैसे सोचूँ, तो कैसे बचाऊँ कछुए को। तो उसने तेंदुए से कहा कि तेंदुआ जी, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। तेंदुआ तो अपने सारे शरीर को उसके खोल में छुपा लिया है, तो आसान, इसकी खोल तोड़ने का मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। तो उसने क्या कहा कि इसे आप पानी में फेंकोगे ना, तो ये अपने सब
को कवच के अंदर जो हाथ पैर छुपा लिए हैं ना वो बाहर निकालेगा और वो तैरने लगेगा। तो बताती हूँ, तो थोड़ी देर में पानी से इसका खोल गर्म नरम हो जाएगा, चाहे तो आप अजमा कर देख लो। तो उसने कहा कि पानी में इसका जो खोल है ना नरम हो जाएगा और फिर आपसे खुल जाएगा, तो आप अजमा कर देखो। तेंदुए ने कहा ठीक है। तेंदुआ तो लोमड़ी के बातों में आ गया, उसने कहा अभी देख लेता हूँ। तो उसने क्या किया, कछुए को देखो यहाँ कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो उसे लगा अभी ये पानी में जाएगा तो अपने कवच से बाहर अपने हाथ पैर खोल लेगा, इसका कवच नरम हो जाएगा तो मैं इसको खा लूँगा। तो उस तो बातों में आ गया लोमड़ी के, और उसने क्या कहा, उसे पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में फेंक दिया। किसको डाला, कछुए को। किसने डाला, तेंदुए ने कछुए को पानी में डाल दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। फिर इस तरीके से उसने क्या लगाया, अपनी तरकीब लगाई और उसकी तरकीब कामयाब हो गई है ना, और कछुआ बच गया। पानी में जाने के बाद वो हाथ में आने वाला था क्या, नहीं, इसलिए कछुआ बच गया है ना। अच्छी लगी आपको, अच्छा लगा पाठ कहानी। ठीक, कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। ठीक है, तो क्या उपाय सोचा था लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए, क्या उपाय सोचा था। तो उसने कहा कि भाई इसको आप है ना पानी में डाल दो तो ये अपने इसके कवच नरम हो जाएगा, तो ये आपको सॉफ्ट हो जाएगा तो खाने मिलेगा। लेकिन वैसा होने वाला नहीं था। तेंदुआ कैसा था, मूर्ख था है ना। उसने सोचा क्या, कछुआ तो पानी में ही रहता है, पानी में जाने के बाद वो मेरे हाथ में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ, कछुए की जान बच गई है ना, तो कछुआ बच गया है ना। तो गपशप, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो है ना। तो गपशप करते होंगे तो क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हो ना, उसी तरीके से अगर इनकी गहरी दोस्ती है तो ये अपनी पर्सनल बातें करते होंगे है ना। सोची कहीं गपशप तुम पर टीक नाटक भी कर सकते हो। कुछ कछुआ चाल, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो भी बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। तो हमारी कहावत होती है कछुआ कितना धीरे धीरे चलता है ना। तो हम कभी भी कुछ बातें करते हैं तो हम कहते हैं ये तो चिट्ठी की चाल चलता है, टीचर जी ये तो लिखता ही नहीं है। जो लड़का क्लास में धीरे धीरे से लिखता है ना तो हम कहते हैं तो कछुए की चाल चलता है, ये तो बहुत छोटे ने बहुत बारीक अक्षर निकालता है, तो चिट्ठी के जैसे अक्षर निकालता है, ऐसे कहते हैं ना हम, इसलिए ऐसी कहावत होती है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे, जो तेज भागता है वो कौन, सबसे ज्यादा तेज भागता है, हिरन है ना, तो वह हिरन की तरह भागता है, इसकी दौड़ हिरन की तरह है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, जो तैरने वाला बहुत अच्छा होता है वो मछली, तो मछली अपनी जल की रानी है, पता है ना आपको, मछली तो पानी में ही रहती है, मछली से तेज तो कोई पानी में दौड़ ही नहीं सकता है, चल तो दिन भर उसी में रहती है ना, ऐसे ऐसे करके चलते रहती है ना मछली, तो मछली की तरह तैरता है ना। तो इस तरीके से वह हिरण की तरह भागता है, जो बहुत अच्छा तैराक है वो मछली की तरह तैरता है। ठीक है, तो आज हमने कौन सा पाठ हमारे यहाँ पे समझा है, पांचवा पाठ है ना। तो हमारे पाठ का नाम क्या था, दोस्त की मदद। तो इसमें किसने किसकी मदद की है, तो इसमें लोमड़ी ने कछुए की मदद की है ना। आप भी अपने दोस्तों की मदद इस तरीके से कर सकते हो। ओके बाय, आज के लिए हमारा पार्ट इतना ही पे पूरा, बाय।